देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो किसानों के हल के नीचे जमीन है, जिसको शामला दे जुमला मालकान, मुस्तरका मालकान, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, किसानों की पुश्तैनी ज़मीनें हैं उनके हल के नीचे है, सरकार उनको छीनना चाहती है एक प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र के तहत। सरकार से हमारा ये आग्रह है आज कि जो किसानों के हल के नीचे ज़मीनें हैं उसको ना छीना जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए। और मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये वायदा भी किया था कि वो आगामी विधानसभा का जो सेशन होगा उसमें किसानों को मालिकाना हक देने को लेकर कानून लेकर आएंगे, लेकिन सरकार कानून लेकर नहीं आई। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो किसान मजदूर पूर्ण कर्ज माफ़ी का है। हमारे संगठन का ये मानना है कि जो किसान हैं मजदूर हैं उनको एक प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र के तहत कर्जमंद किया गया है, उनकी पूर्ण कर्ज माफी की जानी चाहिए। जैसे उद्योगपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डालना पड़ा जो 75% से लेकर 95% तक बनता है, ऐसे ही किसान और मजदूर की भी पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। जो कुड़की कानून है जिसके तहत किसान अगर कर्ज ना चुका पाए उसकी जमीन मकान सरकार कुड़क करने का काम करती है, उस कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसान की जमीन की फसली कर्जे में कुड़की नहीं होनी चाहिए। इन दो मुद्दों को लेकर, जमीनों में मालिकाना हक, पूर्ण कर्ज माफी और कुड़की कानून पर रोक, इनको लेकर हरियाणा सरकार को आज DC पंचकुला के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि न्यायोचित न्याय युद्ध या कोई लड़ाई जब शुरू की जाती है उसका पहला पड़ाव सरकार तक लोगों की मांग पहुंचाना होता है, वो ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, इस पर कोई ध्यान नहीं देती, तो निश्चित तौर पर एक प्रदेश में जन आंदोलन इन मुद्दों को लेकर खड़ा किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि जो किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी है वो लागू की जाए और मालिकाना हक जो जमीनों पर हैं वो लिए जाएं और तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार के बनाए कानूनों के अनुसार बेदखली की शुरू कर दी, रजिस्ट्रियों को निरस्त शुरू करने की शुरू कर दी, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज DC पंचकुला के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, गठबंधन सरकार ताकि किसान के मजदूर के हक के बारे में सोचे।